अंतर्गत आता है लतूड़िया थाना, उसमें एक मृतक लड़का जो कि जिसको परिवार को न्याय नहीं मिल रहा था, जिसमें बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी वहाँ पहुँचे। मनोज परमार जी ने पीड़ित परिवार को ढांढस भी बनाया और कानून के द्वारा उचित मांग करवाई, जिसमें पीड़ित परिवार के लिए उन्होंने मकान तोड़ने की बात कही। जो वहाँ पे लड़के हैं उनका, जो मुलजिम है उनका मकान तोड़ने की बात के लिए भी कहा, और पीड़ित परिवार को शासन के द्वारा जो भी मांग की है उसके लिए वहाँ के सभी अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया। मैं विवेक सिंह कुशवाहा, इंडियन टीवी से, इंदौर से। जी कल रात को दुर्गेश सोलंकी पे कुछ आरोपियों ने चाकू से हमला किया था और उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। फिर पुलिस ने रात भर लग के जो भी दो प्रमुख आरोपी हैं उनको राउंड अप किया था। उसके बाद अभी बलाई समाज के जनप्रतिनिधि आए थे हमारे पास और उनकी ये डिमांड थी कि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके मकान तोड़े जाए। तो उसमें अभी हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी विवेचना में जो जो भी हमें आरोपी लगेंगे हम उनको राउंड अप करके उनके प्रति वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और अभी हमने नगर निगम आयुक्त के लिए भी प्रतिवेदन बना के थाने से भेज दिया है कि इनके मकानों को ध्वस्त किया जाए। सर दुर्गेश का भी पूर्व में कई पुराना विवाद था जो इसको मारा गया है। जी दुर्गेश का जो भाई था वो जो है अभी आरोपी की बहन को ले गया था, तो दुर्गेश के भाई के पहले 376 और पॉक्सो के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध थे, तो शायद उस रंजिश को लेके इनकी आपस में विवाद हुआ, फिर उस पर हमला किया गया। सर ऐसे कितने आरोपी हैं, कितने आरोपी लगाए? अभी तो फिलहाल जो हमें कल जो आई विटनेस थे और उन लोगों ने हमें दो नाम बताए थे और हमने दोनों को राउंड अप कर लिया है और अभी हम फर्दर तफ्तीश करके अब जो जो भी हमें लगता है हम उसमें विवेचना में लेंगे। सर क्या आरोपियों के पूर्व में भी रिकॉर्ड इस थाने में है? हाँ इनके आरोपियों के पूर्व में रिकॉर्ड है, मारपीट वगैरह के रिकॉर्ड हैं, इनके दो दो रिकॉर्ड हैं दोनों आरोपियों के। अवैध शराब को लेकर भी बात की जा रही है कि जो आरोपी उनके द्वारा अवैध शराब बेची जाती है, अवैध शराब को बेची जाती थी, ऐसा अभी कहा जा रहा है अभी बट अभी इसकी विवेचना की जाएगी अभी की क्या सत्यता है उसकी। ठीक सर आपका परिचय। मैं ACP विजयनगर हूँ, कृष्ण लाल चंदानी, IPS 2020। रविदास नगर में हत्या का मामला सामने आया था, क्या कहिए किस प्रकार से पूरा काम है? 15 दिन के अंदर ये तीसरी हत्या है, एक महीने में चौथी हत्या है। अनुसूचित जाति पर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं कहीं ना कहीं पुलिस का कानून का खोप खत्म हो गया है। इस बात को लेकर सभी समाजजन नाराज थे, आक्रोशित समाजजनों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, थाने का घेराव प्रदर्शन करके अपनी बात रखी। बात यह है कि छोटी छोटी बातों पर जो हत्याएं हो रही है कहीं ना कहीं उसके पीछे नशा भी जिम्मेदार है। इन थानों के अंतर्गत नशा, शराब, चरस, गांजा, ये सब अफीम, ये सब निर्विवादित बिक रहे हैं और इन नशेड़ियों पर कब्जा नहीं होने के कारण, नकेल नहीं कसने के कारण लगातार हत्या हो रही है। और इन हत्याओं के पीछे ये भी हाथ आ रहा है कि जो हिस्ट्री सीटर बदमाश होना है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका उदाहरण हमने बाणगंगा में देखने में आया, बाणगंगा में कोटेश्वर चोरे जिसकी हत्या होने के बाद में उसके मकान को जमींदोज करने के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने वहाँ पर आवेदन दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। बदले में आरोपियों के सहयोगियों ने पीड़ित मृतक के पिता को धमकी दी, उसकी भी मृत्यु हो गई। 15 दिन में दो हत्या वहाँ पर हो गई, तीसरी यहाँ पर हो गई। यहाँ पर भी जिस तरह का एक्शन पुलिस को लेना चाहिए था, भाई 10 आरोपी हैं केवल दो बनाए गए, 8 आरोपी और फरार हैं, तो या तो आरोपियों की सभी की गिरफ्तारी हो जाती तो परिवार शांत हो जाता, कहीं ना कहीं कानून हमारे साथ है ऐसा भावना, ऐसी बात समाज में जाना चाहिए। मकान जो आरोपियों के तोड़ने, मकानों को तोड़ने को लेकर हम सब यहाँ पर आए थे,
माननीय मेयर साहब को, आयुक्त महोदय को पुलिस प्रशासन ने पत्र लिखा है। उस पत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि तत्काल आरोपियों पे जो है यहाँ पर कड़ी कार्रवाई हो रही है और नगर निगम जो है जेसीबी लगाकर अपना हमला लगाकर मकान तोड़ने की कार्रवाई करे, ऐसा हमें इन्होंने अभी आधा घंटा का बोला। बाकी अपन एक दो घंटे मान के चले तो एक दो घंटे के अंदर वो कार्रवाई होगी ऐसा बताया गया। साथ ही मुआवजे के तौर पर राहत प्रकरण अति शीघ्र इन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग में भेजने का आश्वासन हमें दिया है, ये हमें बताया गया। अच्छा बेटा इधर ले आओ, की बात है ये बच्ची आज देखो ये विलाप कर रही है ये बच्ची। तो ऐसे कई परिवार है जो आप बेघर हो रहे हैं, कमाने वाला एकमात्र बच्चा आज वो भी बेघर हो गया, आज बच्चों की हालत देखो कौन करने धरने वाला, घर में कोई नहीं बचा। ऐसी स्थिति बाणगंगा में भी है, ऐसी स्थिति भेसलाई में भी है, तो ऐसी स्थिति काकवा में भी है। तो लगातार ऐसे हत्याकांड जो हो रहे हैं कहीं ना कहीं ये गरीब मजलूम और मजदूर परिवार को असहाय और वो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर परिवार है, अपनी रोजी रोटी कमाने जाएगा या हथियार लेके गुंडे बदमाशों से लड़ता फिरेगा, नशेड़ियों से लड़ेगा, तो नशेड़ पर भी लगाम हो, आरोपियों के मकान तोड़े जाएं, राहत राशि मंजूर हो, इस बात को लेकर हमने यहाँ पर ज्ञापन प्रदर्शन किया था। भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि हर जो भी मुलजिम है उनका मकान तोड़ा जाए, लेकिन क्या क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए हम खुद पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी करवाएंगे, हम खुद यहाँ पर आए हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुंच रही है कि उनकी प्रजा का क्या हाल है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए। हम खुद उस पार्टी के कार्यकर्ता उस विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, किंतु मुझे लग रहा है कि ये बात ऊपर तक नहीं जा रही है, इसलिए हमारा अखिल भारतीय भलाई महासंघ और समस्त पदाधिकारी यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर यही बात रख रहे हैं कि आप तक बात नहीं जा रही है, जो वादे हैं वो पूरे किया जाए, हमारे दलितों की रक्षा सुरक्षा की जाए, इस बात को लेकर। यदि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता और कार्रवाई नहीं करता तो आगे आपका क्या क्रम है? हम अनवरत आंदोलन करेंगे, अनवरत चक्राजाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। एक बच्ची को ले लो, मेरा भाई क्यों बुला के ले गए थे, यहाँ कह के बुला के ले गए, उसके बाद बोला है चुपचाप ले गए घर से, हमको पता है मंदिर तरफ घूमने जाता, आपको कैसे पता पड़ा कि आपके भाई की? वही गाड़ी से, बहुत सारी गाड़ी से निकल के गए, जाओ देखो मार दिया उसको, मार दिया। हम गए तो अकेला पड़ा हुआ कमरे में, किन लोगों ने मारा था उसको? कन्हैया करण, उसके मम्मी पापा कालू, ये चार पाँच जने थे वहाँ पर। अभी आपको क्या आश्वासन दिया गया? मेरा भाई जी है, मेरे को तो नहीं पता, मैं भाई के पास मेरे को जाना। आपका नाम बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए। चलो चलो ठीक है।